नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी लेखिका सुरभि बेहरा जी। सुरभि बेहरा जी की कहानियों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है और उन्हें मौलिक कहानी का पुरस्कार भी मिला है। वे बहुत अच्छी अनुवादिका भी, और इंदौर में वो संभवतः पहली बार आई हैं, तो उनका स्वागत है। और मैं जानना चाहता हूँ कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पूरे देश की विशिष्ट सारी महिलाएं आई हैं, उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला, ये बड़ी बात है मुझे। इस कार्यक्रम को लेकर और क्या विचार हैं आपके, थोड़ा विस्तार से बताइए। आज जो प्रोग्राम हुआ, घमासान युद्ध हुआ, वो देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, मजा आ गया। आप जो कहानियाँ लिखती हैं उनके विषय क्या होते हैं? नारी पर केंद्रित है ज़्यादातर मेरी कहानियाँ, नारी पर ही केंद्रित है। और सारे मेरी अभी एक किताब निकल रही है, सच सपने जो पूरे न हुए, तो वो ऐसे सपने हैं जो सब कुछ अधूरे ही रह गए हैं, कुछ पूरे नहीं हुए। और तो आपकी जो कथा के पात्र होते हैं वो कैसे आप ढूंढते हैं? जो अपने आसपास देखती हूँ उन्हीं को ढूंढती हूँ, अपने आसपास जो अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास में, अपने उनमें से ढूंढ लेती हूँ। और ज़्यादातर ग्रामीण अंचल की कहानियाँ होती हैं उसमें, जो नारी पर केंद्रित होती हैं। आपको जो अनुवाद आप करते हैं तो वो कौन सी भाषा से कौन सी भाषा में करते हैं? ओडिया से हिंदी, ओडिया। वहाँ प्रतिभा राय हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड, उनकी कई रचनाओं का अनुवाद किया है मैंने। सीताकांत महापात्र वो कवि हैं, उनकी भी कई रचनाओं का अनुवाद किया है। तो जितनी विशिष्ट कथाकार हैं वहाँ पर, उनकी रचनाओं का अनुवाद किया मैंने। प्रतिभा राय की द्रौपदी भी कहानी, हाँ, याज्ञसेनी है जी, उनका भी अनुदान अनुवाद वो मैंने नहीं किया था जी, अभी जी, उनकी जी। एक कहानी थी जिसका अनुवाद मैंने किया था, अल्पना अंकित दीवार जी, जो 1999 में बहुत बड़ा महावात्या हमारे यहाँ होते हैं वो हुआ था। तो उस पर है, गांव के ग्रामीण अंचल में जो दुर्दशा हुई थी, लोगों को अपना जमीन नहीं मिला था, उस पर है वो कहानी। जो उस वक्त जब मैंने किया था वो बहुत प्रशंसित हुई थी, और उसी से प्रेरित होके मैं साहित्य की तरफ बढ़ी। तो आपको लगता है कि जो उड़िया में जो बहुत अच्छा लेखन हो रहा है उसको हिंदी भाषी लोगों को भी पढ़ना चाहिए? हाँ जरूर, उड़ीसा भाषी भी चाहते हैं, और मुझे उड़ीसा साहित्य अकादमी ने ये मुझे दिया है कि मैं उड़िया की जो श्रेष्ठ है, अभी एक आज़ादी से पहले की एक उपन्यास है कान्हू चरण महंती के, अधिका हाथ को, जिसका मैंने अनुवाद किया है, अदृश्य हाथ। तो वो लोग की दिल से इच्छा होती है कि हम लोग हिंदी में जाएं। हिंदी एक ऐसा समुद्र है जिस पे छोटी नदियां जाके मिलती हैं और बड़ा होना चाहती हैं, तो उड़ीसा वासी भी वो चाहते हैं। आपने जो अभी जो पुस्तकें अनुवाद की हैं उड़िया से हिंदी में, सबसे ज़्यादा चर्चित कौन सी रही हैं? अनुवाद में मैंने कई आलेख भी किया है, तो अनुवाद में तो अभी वही अल्पना अंकित दीवार बहुत है, और एक आनंदाश्रु थी वो भी प्रतिभा राय जी की थी जी। बहुत चर्चित रही मेरी मेरी खुद की कहानी है भीगी हथेलियों का स्पर्श जी, जी, जी। जो कथा भी बॉम्बे से आती है पत्रिका, हाँ। उसमें निकल, और बहुत पूरे देश से लोगों ने सराहा उसे। प्रतिभा राय जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? बहुत अच्छी है, मिलनसार हैं, और क्या बोलूँ, मुझे तो वो बेटी की तरह मानती हैं, हमारे पड़ोस में रहती है वो, उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो तो विख्यात है। उनके लेखन को लेकर कुछ बताइए। उनका लेखन वो ग्रामीण अंचलों से ज़्यादा है, उनके नारी पर जितने भी हैं नारी पर है और ग्रामीण अंचलों से जुड़ा हुआ है। उनका उपन्यास क्या बोलूँ, महासागर की तरह, उसके बारे में क्या बताऊँ। आपको लगता है कि इस तरह की जो कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, तो उनमें जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जैसे इंदौर हिंदी भाषी प्रदेशों में आता है, तो आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए? और जरूर होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.